चीन में एक ऐसा नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है जिसने आईफोन को बीट कर दिया है, आईफोन की बिक्री को गिरा दिया है। चीनी कंपनी हवावाई ने अपनी नई स्मार्टफोन मैट 60 लॉन्च करके चीन में आईफोन को कड़ी टक्कर दे दी है। अमेरिकी बैन के बाद से ही एक बुरे दौर से गुजरी चीनी कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन मैट 60 के साथ बाजार में दमदार एंट्री कर दी है और इसने कुछ ही दिनों में चीन में इतनी लोकप्रियता हासिल कर ली है कि चीन में आईफोन की बिक्री तो यहाँ पर लगभग हो ही नहीं रही है, तगड़ा झटका लगा है। इसी के साथ ही एक रिपोर्ट की माने तो उसके अनुसार अक्टूबर के बाद से ही काउंटर पॉइंट सर्वे में ये बताया गया है कि हवाई की बिक्री में यहाँ पर 83% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि एप्पल ने महज 11 का ही इजाफा दर्ज किया है। अक्टूबर में मजबूत मीडिया कवरेज के साथ ही मैट 60 का लॉन्च व मार्केटिंग शानदार रहा। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि आईफोन की बिक्री हवाई ने नए इनोवेटिव डिवाइस से काफी प्रभावित हुई है। चीनी ब्रांड ने बड़े आकार की स्क्रीन पेश करने अपने स्मार्टफोन के लिए पहले ही एप्पल को कड़ी टक्कर दे दी थी। अब एक बार फिर से ये आईफोन को झटका देता नजर आ रहा है। हालांकि कुछ बिक्री के मामलों में एप्पल अब भी आगे बना हुआ है, पर ये समय ही बताएगा कि वो इस पोजीशन पर कब तक कायम रह पाता है।